आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट सीएमए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीएमए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज फाउंडेशन लेवल एग्जामिनेशन ऑफ सीएमए। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फाउंडेशन के एग्जाम के लिए एनरोल कराने के लिए, मतलब फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल कराने के लिए क्राइटेरिया है कि आपने 10th पास किया होना चाहिए मिनिमम। तो आप 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद फाउंडेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, पर एग्जामिनेशन आप तभी दे पाएंगे जब आपका 12th क्लियर होगा। क्लियर? तो सपोज आपने 10th में अगर रजिस्ट्रेशन करा भी दिया है तो एग्जाम आप दे पाएंगे 12th के एग्जाम्स के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस क्या होती है। तो फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन फीस होती है 6,000, और एक और आपको फॉर्म भरना पड़ता है बिफोर एग्जाम्स, दैट एग्जामिनेशन फॉर्म, उसकी फीस होती है आपकी 1,200। उसमें कुछ लेट फीस भी होती है, दैट डिपेंड करता है, अगर आप लेट फॉर्म भरते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आपके फाउंडेशन लेवल एग्जाम में 4 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकेंड इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड फोर्थ इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। चारों के चारों पेपर्स आपके कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। 100 मार्क्स का एक पेपर आता है एंड यू हैव 50 क्वेश्चंस इन दैट पेपर। तो आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं इनटू 2 मार्क्स ईच, तो ये आपका 100 मार्क का कम्प्लीटली एमसीक्यू पेपर बन जाता है। आपको एडमिशन कराने की कट ऑफ डेट क्या है। अगर आप जून का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 31 जनवरी ऑफ सेम ईयर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तभी आप एलिजिबल होगे जून के लिए। और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तभी आप एलिजिबल होगे दिसंबर में एग्जाम देने के लिए। 2 बार एग्जाम होते हैं इसके, एक बार जून में एक बार दिसंबर में। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में हमने देख लिया 4 पेपर्स हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें आपके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड सेक्शन बी बिजनेस कम्युनिकेशन। ध्यान रखेंगे बच्चे, जो हम बात कर रहे हैं ये सारे सिलेबस 2022 के हिसाब से बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन ए है आपका, इन फर्स्ट पेपर उसकी वेटेज है 80 मार्क्स। तो आपका लॉ का पेपर 80% का होता है, मतलब 80 मार्क्स का होता है, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का जो वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स 20%। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसमें 70-30 का रेशियो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 70% यानी कि 70 मार्क्स की, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग 30% यानी 30 मार्क्स की आती है। थर्ड पेपर जो आपका दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें 40-60 का रेशियो है, मैथमेटिक्स आपके 40% यानी कि 40 मार्क्स की आती है, और स्टैटिस्टिक्स 60% यानी कि 60 मार्क्स की आती है। फोर्थ पेपर इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स की और वेटेज है 70% यानी कि 70 मार्क्स का, एंड मैनेजमेंट इज 30% यानी कि 30 मार्क्स का। मैंने आपको पहले ही बताया है ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। क्लियर? और जो भी अमेंडमेंट होती है, जैसे लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं, तो वो एप्लीकेबल होंगी जैसे ये अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होती चली जाएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर वाइज। एक एक पेपर को हम पिक करके चलेंगे। फर्स्ट पेपर इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 80% यानी कि 80 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉ में से आता है और 20 मार्क्स का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में से आता है। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉज के अंदर 4 आपके चैप्टर्स है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन बेसिक्स है जो 10%, नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है 30%, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 20% कैरीज, एंड आपका जो 4th चैप्टर है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसकी वेटेज भी आपकी 20%। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी वेटेज है 20%, एक ही चैप्टर है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, 20 मार्क्स का उसमें से आता है। तो ये हो गई आपकी पेपर नंबर 1 की बात। अब हम चलते हैं पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है 70% 70 मार्क्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है 30 मार्क्स की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फंडामेंटल्स 30% 30 मार्क्स का आता है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस 15% 50 मार्क्स का आता है, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं आपके वो 25% यानी कि 25 मार्क्स के आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक ही चैप्टर है, फंडामेंटल्स बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 30 मार्क्स का उसमें से आपका आता है। थर्ड पेपर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स,
तो मैथमेटिक्स इसमें 40% आती है 40 मार्क्स की, एंड स्टैटिस्टिक्स 60% यानी कि 60 मार्क्स की। मैथमेटिक्स में आपको अरिथमेटिक देखने को मिलेगा, अलजेब्रा देखने को मिलेगा और कैलकुलस देखने को मिलेगा। 15% अरिथमेटिक में से आता है, 20% अलजेब्रा में से आता है, एंड 5% बहुत ही नॉमिनल सा इसका परसेंटेज है कैलकुलस में से आता है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, जिसका मेजर पोर्शन है 60% जिसमें से आता है। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 5%, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन 15%, कोरिलेशन रिग्रेशन अगेन 15%, प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 15%, एंड इंडेक्स नंबर ऑफ टाइम सीरीज वाला जो चैप्टर है बहुत ईजी चैप्टर है, 10% इसकी वेटेज रहती है। फोर्थ पेपर इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें इकोनॉमिक्स होगी आपकी 70 मार्क्स की एंड मैनेजमेंट होगा 30 मार्क्स का। तो इकोनॉमिक्स में आपको 15 मार्क्स का बेसिक कंसेप्ट आएंगे, 20 मार्क्स का फॉर्म्स ऑफ मार्केट होगा, मनी और बैंकिंग होगा 20 मार्क्स का, एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट होगा 15 मार्क्स का। और मैनेजमेंट की बात करें तो 30 मार्क्स का एक ही चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट बात अबाउट December 23 एग्जामिनेशन। तो आपका CMA फाउंडेशन का जो एग्जाम है ना बच्चों, एक ही दिन पे होता है, 17 दिसंबर 2023 आपका एग्जाम होगा। चारों पेपर एक ही दिन पे होंगे, दो दो घंटे के दो स्लॉट लगेंगे। पहला स्लॉट होगा आपका 10 से 12 का मॉर्निंग में, और फिर उसका दूसरा स्लॉट होगा 2 to 4। ठीक है, पेपर नंबर 1 और 2 आपका 10 से 12 वाले स्लॉट में होता है, पेपर नंबर 3 और 4 आपका 2 to 4 वाले स्लॉट में होता है। तो जो बीच का आपका टाइम है 12 से 2, इसमें आप पेपर नंबर 3 और 4 रिवाइज भी कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको बताया है कि 100 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 मिला के 200 मार्क्स का पेपर हो गया, इसलिए यहाँ पे 200 मार्क्स लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पेपर है वो ऑफलाइन होंगे, आपको ऑफलाइन देने हैं, पहली बात ऑनलाइन नहीं है, सेंटर बेस्ड है, सेंटर पे पेपर जाके देने हैं, और OMR शीट आपको फिजिकली मिलेगी, उसे फिल करना है। क्लियर। तो बच्चों को जो कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, क्या है, ऑफलाइन पेपर है, सेंटर पे जाके आपको फिजिकली OMR शीट मिलेगी, वो फिल करनी है। दूसरी चीज, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 MCQ दो दो मार्क्स के ईच, तो 100 मार्क्स का पेपर बनता है, कंप्लीटली MCQ है। एक और आपके लिए बहुत बोनस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन आपने किया है, आप अगर वो गलत है तो बस वो ही गलत है, ऐसा नहीं है कि उसको आपका पेनल्टी मिलेगी या और नंबर कट जाएंगे एक्स्ट्रा, नो। एक और चीज होती है बच्चों, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि एक एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना होता है। तो एग्जाम फॉर्म की भी डेट आ गई है, 17 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म, उसको आप भर देंगे, और उस एग्जाम फॉर्म की फीस है आपकी 1200 रुपए। और ये साफ साफ बताया हुआ है कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट हम नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप लेट हो जाते हो तो फिर आप दिसंबर टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एज सुन एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को भर देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म। बहुत बच्चे मिस कर देते हैं और उसकी वजह से उनका अटेम्प्ट रह जाता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बच्चे यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ, जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। पहली चीज आपको देखना है, कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, MCQ बेस्ड पेपर है तो यू नीड टू बी मोर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। बहुत ध्यान से आप चीजों को पढ़ेंगे, मॉड्यूल को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं आपको, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे सोर्सेस बता रही हूँ जहां से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। पहली बात तो मॉड्यूल के पीछे इतने सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं हर चैप्टर के बाद, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स आप पिक करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स आप पिक करेंगे, और बिट क्वेश्चन बैंक दी अल्टीमेट की, जिसमें से काफी पेपर आता है आपका, मॉड्यूल और बिट क्वेश्चन बैंक में से ही ज्यादातर पेपर आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आता है, तो आपको इनको भी करना है। ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना माइंडफुल रहेंगे रिगार्डिंग टाइम। इवन आप, मैं तो आपको कहूंगी, अगर आप बिट क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हैं ना, तो आप 50-50 करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको 1 आवर में पेपर करना होता है। देखो यहाँ पे मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आप उसको 1 आवर में कम्प्लीट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 60 मिनट्स हैं टोटल और 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप 10 मिनट्स रिजर्व कर दीजिए फॉर रिवीजन, लास्ट में देखने के लिए कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ, कुछ मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया हो, कोई क्वेश्चन पढ़ना रह गया हो, को मैंने गलत पढ़ लिया हो, ऐसे। तो 10 मिनट्स तो आप रिजर्व कर देंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में आप पूरा पेपर एक बार नजर मारेंगे तो, और लास्ट के 5-7 मिनट में आप रिविजन करेंगे, इस 10 मिनट को आप ऐसे यूज करेंगे।
स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में आप एक बार पेपर को नजर मार लेंगे और लास्ट के 5-7 मिनट में आप एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन मेरा मिस तो नहीं हुआ। देन और फिर बचे आपके 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स 50 क्वेश्चंस, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं देना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप कर दो, आगे चले जाओ। जब आप यहाँ रिवाइज करोगे तब आप कर लेना उसको, क्लियर। एक क्वेश्चन पे स्टक होके नहीं बैठना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है लिव इट एंड मूव ऑन, बाकी के क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड बच्चों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है लास्ट तक भी, तो जो आपकी गट फीलिंग कहती है आप उसको मार्क करके आ जाना। थोड़ा बहुत जो आपको हल्का फुल्का याद आ रहा है उसके बारे में आप उसको मार्क भी कर सकते हैं, तो ज्यादा टाइम किसी एक क्वेश्चन पे आप नहीं लगाएंगे, वरना एक बार अगर टाइम गड़बड़ हो गई तो बच्चा थोड़ा सा होपलेस फील करता है। तो टाइम का आपको बिल्कुल माइंडफुल रहना है, 1 मिनट एक क्वेश्चन सफिशियंट है, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए चीजों को थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में रिगार्डिंग सीएमए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो जिस बच्चे ने 12th का पेपर दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, वो ही सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है। मैं एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिसने 12th क्लियर कर ली है वो ही सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। पर सीएमए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करा सकते हो 10th क्लियर होने के बाद भी। डन। उसके बाद हम बात कर रहे थे फीस क्या होती है। तो एनरोलमेंट फीस जो होती है, जो आप रजिस्ट्रेशन फीस कह सकते हो, वो होती है आपकी 6,000 रुपीज। एंड जो आपकी एक और फीस जाती है एग्जाम फीस, वो होती है आपकी 1,200 रुपीज। अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो एक टाइम लिमिट तक एग्जाम फॉर्म ओपन रख सकता है, उसके बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो वो लेट फीस भी लगा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में हमने देखा था आपके पास 4 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट था आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, दूसरा था आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड फोर्थ इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। क्लियर। यहाँ पे 2 पेपर थे आपके लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी वेटेज थी आपकी 80% और 20% की। फिर थे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसमें आपकी वेटेज थी 70-30 की। फिर आप थे फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वेटेज थी आपकी 40-60 की। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसकी वेटेज भी अगेन आपकी थी 70-30 की। क्लियर। उसके बाद हमने पेपर पैटर्न के बारे में बात किया था। तो पेपर पैटर्न हमारा रहता है 50 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन की वेटेज होती है 2 मार्क्स। ये बन जाता है आपका 100 मार्क्स का पेपर, कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होती। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज 17th अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर एग्जाम फॉर्म फाइलिंग, तो टाइम्स ऑफ एग्जाम फॉर्म फिल कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।